जल्दी कर वरना को देख ना ले। मगर हमें वहाँ जाने की जरूरत क्या है, वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। सब लोग कह रहे हैं कि टापू पे नहीं जाना चाहिए। अरे कम से कम वहाँ जाके देखना तो चाहिए ना, वहाँ है क्या, डरता है। पर हमें दिन में जाना चाहिए था, वैसे भी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब सी धुन कैसी है? अरे कोई बांसुरी बजा रहा होगा। इतनी रात को कौन बांसुरी बजा रहा है? बेटा क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। ठीक से नींद नहीं आई क्या? मम्मी कल रात को मुझे बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था, लेकिन क्यों बेटा? मम्मी कल रात को मुझे बहुत अजीब सी धुन सुनाई दी। धुन? हाँ पापा, बहुत डरावनी धुन थी वो, बहुत अजीब सा म्यूजिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। मगर बेटा हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मम्मी हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, कहीं और भी तो जा सकते थे ना। तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मम्मी। ये बड़ी डरपोक है मम्मी, इसे अभी भी पानी से डर लगता है। नानी से ये कहानियां सुनती थी ना, डरावनी डरावनी, इसलिए ऐसी हो गई। डरती हो तो क्या हुआ, सब बच्चे एक से नहीं होते। नानी कहती है पानी के अंदर सचमुच में मॉन्स्टर रहते हैं। कोई नहीं रहता पानी वानी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। और वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब बातें भूल जाओ। क्या हो रहा है फिश टैंक? सब कुछ तो ठीक है? सर कैसे हो सकता है? बेटा चलो तुम चलो नाश्ता करो, कम ऑन चलो तुम।
आ रही है। अब तुम जाके कुछ लोग इस झील के नीचे रहते हैं, पता नहीं कब से रहते हैं, डरावने लोग हैं वो। मगर नानी कौन है ये लोग? ये लोग पानी के नीचे रहते हैं और लोगों का आने का इंतजार करते हैं, और जैसे कोई पानी के ऊपर आ जाए ये पानी वाले लोग जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और इन्हें खींच कर अंदर ले जाते हैं। नानी क्या ये लोग पानी में ही रहते हैं? नहीं, कभी कभी बाहर आते हैं जमीन पर। नानी क्या ये लोग इस पानी में भी रहते हैं? शायद। अरे ये क्या तरीका है मजाक करने का? तुम्हें पता है ना कि वो डर जाती है। रिया, रिया भैया सॉरी। सॉरी रिया, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तुम तो डरती क्यों? और डरती हो तो तुम नानी से वो डरावनी कहानियाँ क्यों सुनती हो? और नानी भी ना हमेशा एक ही कहानी सुनाती है, वो पानी वाली आत्माओं की कहानी। वो कहानी नहीं है, मुझे तो लगता है कि पानी के नीचे वो सच्ची में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है पानी के नीचे, मैं और जॉय भी तो रोज पानी में ही तैरते हैं ना। तुम भी तैरना सीख लो ना, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। मुझे तैरना वैरना नहीं सीखना। किस दुनिया में खोई हुई हो? कब से तुम्हें बुला रहे हैं? पानी के अंदर आओ ना, वहाँ बाहर क्या कर रही हो? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बेटा, यहाँ पत्थर पे तो आके बैठ सकती हो तुम, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा लगेगा। कितना मजा आ रहा है रिया, आओ ना। कितना मजा आ रहा है। श्रुति, मुझे बॉल पास करो। इधर दे, इधर दे। कौन बजाता है ये बांसुरी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? और ये आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है। देखो तो जरा क्या है।
ये देखिए ये है अंदर, तेरे पानी के अंदर की पूरी आत्मा। मैं सच कह रही हूँ, पानी के अंदर जरूर कुछ था। रिया, रिया बेटी कहाँ जा रही हो तुम? चल, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। परिवार के पास वापस चली जाओ, इस धुन का सुनाई देना अच्छा नहीं। तुमने भी सुनी है वो धुन? बहुत भयानक है ये धुन। लेकिन ये धुन सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है, क्यों किसी और को सुनाई नहीं देती? क्योंकि तुम्हें चुन लिया गया है, और जिस किसी को भी चुन लिया जाता है सिर्फ उसी को ये आवाज सुनाई देती है। चुन लिया गया है, लेकिन ये आवाज है किसकी? उस टापू की, उस झील के बीचों बीच बसे टापू की। तुम उस टापू पे कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि जब भी बांसुरी की ये धुन सुनाई देती है किसी न किसी की मौत निश्चित है। जाओ, चली जाओ यहां से, दूर रहो उस टापू से, उस झील से। चली जाओ, आत्माएं, बुरी आत्माएं, चली जाओ यहां से, चली जाओ, दूर हो जाओ, वहां कुछ है, बुरी आत्माएं हैं, चली जाओ यहां से, दूर। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने डर गए थे। और ये तुम इतना हाफ क्यों रही हो? हाँ, मम्मी, भागते भागते आ रही हो ना? कहाँ से? जंगल में से। जंगल से? और पापा, जंगल में वो बुरा आदमी मिला। बुरा आदमी? और उसने कहा, वो जो झील के बीच में टापू है ना, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहां जो भी जाते हैं वापस नहीं आता। ये बेटा, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? आज के बाद तुम अकेली कहीं भी नहीं जाओगी, समझी ना? तुम दोनों हमेशा इसके साथ रहा करो, और हाँ, इसका मजाक भी मत उड़ाया करो। जगह उतनी डरावनी तो नहीं लग रही जितनी सुनी थी। शायद लोगों ने ऐसी ही बात फैला दी होगी। वाह बोट, श्रुति चली। श्रुति, उस टापू तक चले, चल के देखते हैं कि वहां क्या है। हाँ, वाह, श्रुति बोट तो बहुत अच्छी है। चलो चलो जल्दी। दूर रहो उस टापू से, उस झील से। चली जाओ, आत्माएं, बुरी आत्माएं। देखो, तुम लोग प्लीज घर चलो, मत जाओ वहाँ टापू पे। रिया, तुम्हें आना है तो तुम आओ, हम लोग तो जा रहे हैं। ओके,
तुम आ रही हो? चलो आगे मत जाओ, देखो यहीं से दिख रहा है टापू। रिया, तुम इतना क्यों डर रही हो? बस थोड़ी दूरी तो है, एक बार चलकर देख तो लेते हैं। ये टापू बहुत खतरनाक है। ऐसे कैसे कह सकती हो कि खतरनाक है? मुझे तो लगता है कोई खजाना गड़ा है, इसीलिए लोगों ने ऐसी बातें फैला दी ताकि डर के मारे कोई वहाँ जाए नहीं। मुझे भी सुनाई दी, ये एक अजीब सी धुन है। यही तो वो धुन है, इसी आवाज के बारे में मैं तुम लोगों को बता रही थी। Woo!
यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें लेकर आया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरे भाई बहन कहाँ है? कौन? मेरे भाई बहन। उस बोट में मेरे साथ थे। मैंने वहां किसी को नहीं देखा। तुम अकेले बेहोश पड़ी थी उस झील के किनारे। वो भी मेरे साथ झील में गिरे थे। हमारी बोट को पानी के अंदर वाले लोगों ने खींच लिया था। तुमने उन्हें देखा? नहीं, नहीं। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना है। बेटा पापा बोले जॉय और श्रुति को ले गए। जॉय और श्रुति को ले गए? कहाँ ले गए? हम लोग बोट से टापू की तरफ जा रहे थे कि अचानक बुरी आत्माओं ने बोट को पानी के अंदर खींच लिया और जॉय और श्रुति को भी ले गए पानी के अंदर। उन्हें बचा लो, जॉय और श्रुति को बचा लो पापा। जॉय, श्रुति, तुम लोगों को मैंने वहां जाने से मना किया था ना? मम्मी, मैंने भी मना किया था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। और फिर अचानक झील में बुरी आत्माएं आ गई और हमें पानी के अंदर खींच लिया। ये क्या बोल रही हो तुम? पापा, हम लोग वहां गए तो थे, लेकिन बहुत जल्द वापस भी आ गए थे। आज के बाद तुम तीनों में से कोई भी झील में बोट चलाने नहीं जाएगा, समझे? चलो अब अपने अपने कमरे में चले जाओ, क्विकली। मैं तो किसी के पैरों के निशान हूं, गीले पैरों के निशान, पता नहीं किसके पैरों के निशान हूं। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तू? हाँ रिया, श्रुति कमरे में नहीं है। नहीं, वो आत्मा बैठी है। श्रुति, श्रुति बेटा, क्या हुआ मम्मी?
कहाँ थी तुम? बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी। तुम नहा रही थी? हाँ मम्मा। और रिया, नेक्स्ट टाइम जब तुम रूम में आओ तो कम से कम नॉक तो किया करो। ये श्रुति और जॉय को क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? देखा है, लेकिन वह जॉय और श्रुति नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस झील से दूर रहो। मगर मेरे भाई बहन कहाँ हैं? तुम्हारे भाई बहन को इस झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्माएं झील के अंदर लेके गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। इस झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्माएं जॉय और श्रुति बनकर तुम्हारे साथ रहने आ गई। मैं मेरे भाई बहन को वापस लाऊंगी। अगर वो वापस नहीं आए तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे भाई बहन को वापस लाकर रहूंगी। मैं वापस लाने के लिए तुम्हें उस टापू तक जाना होगा, फिर रात को अकेले। इस झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्माओं को यह पता न लगने पाए कि तुम उस टापू पे जा रही हो। रिया बेटा, वापस ही नहीं आ, ये लो है ना। जॉय, स्टॉप इट। जॉय, मजा रही है ना? कि वो जॉय और श्रुति नहीं है। अगर वो वापस नहीं आए तो तुम्हारा परिवार खत्म। उन्हें वापस लाने के लिए तुम्हें उस टापू तक जाना होगा। मैं जाऊंगी, मैं श्रुति और जॉय को वापस ला के रहूंगी। Thank you.
पानी के अंदर के इन लोगों से बचने का रास्ता उस टापू पे है। फिर वही अजीब सी आवाज। लग नहीं रहा था तुम आओगी। कौन? आप? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था तुम यहाँ आओ। क्यों? कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम मरोगी। इससे पहले तुम दो बार बच निकली। दो बार? हाँ, दो बार। पहली बार जब तुम बहुत छोटी थी। मम्मी, पापा, ये डूब गई। दूसरी बार कल झील में जब जॉय, श्रुति और तुम इस टापू पे आ रहे थे। आज तक हमारे हाथों से बचकर कोई नहीं गया, लेकिन तुम बच गई। अब तुम नहीं बचोगी। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा, हमारे साथ रहना होगा। नहीं, 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 नहीं। Thank you.
अरे वो कैसी जगह थी जहाँ तुम लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे? बहुत अच्छी जगह थी माँ, घर के बिल्कुल सामने एक झील भी थी। हाँ नानी, हमारा तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ। वो रिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही नानी? अरे तूने तैरना कब सीख लिया? तुझे तो पानी से डर लगता था, अब डर नहीं लगता पानी के अंदर रहने वाले लोगों से? नानी, अब वो लोग पानी के अंदर नहीं, पानी के बाहर आ चुके हैं। के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।